दोस्तों दुबई में ड्राइवर की जॉब करनी है, बहुत से कमेंट्स होते हैं किस तरह से मिलेगी। चाहे आप बाइक राइडर की जॉब देख रहे हो, चाहे आप कार ड्राइवर हो या आप ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हो, किस तरह से मिलेगी सारी चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें ख़ास तौर पर उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो है जो ड्राइवर की जॉब देख रहे हैं दुबई में। भाई हर एक चीज़ मैं क्लियर बता दूंगा इसमें, क्योंकि फ्रॉड इतना ज्यादा है। अभी एक वीडियो मैंने देखी, मैं अभी शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन पर भी आप लोग देखिएगा यहाँ पर, कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा जॉब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बाइक को वहां पर वो चलवा के दिखा रहा है कि भाई आप बाइक चलाओ और आप एक पंपलेट हाथ में लेकर कि मुझे यूएई या खास तौर पर दुबई के लिए कि दुबई में कार ड्राइवर बाइक राइडर की जॉब उसको दिला रहे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं पाकिस्तान में। जबकि मेरे भाई कोई भी जो वीडियो देख रहा है दुबई आना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि दुबई में ड्राइवर की जॉब के लिए आपको यहाँ आकर लाइसेंस लेना है। पाकिस्तान का लाइसेंस हो, इंडिया का लाइसेंस हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ख़ास तौर पर मासूम लोगों को वीडियो बनाकर, उनकी उस वीडियो के ज़रिए काफ़ी लोग बेचारे जो जिनको लग रहा है बाइक राइडर तो बिल्कुल आसान है मेरे लिए, ये बस यही जॉब करनी है और इनसे रابطہ करना है, तो वो वीडियो देखो आप लोग। पहले स्क्रीन पर मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो चेक करिए। Bro, how are you? I am fine. What is your name? My name is Ansarbaz. What is your father name? My father name is Shamshir. What is your qualification? Matric. What is your profession? Bike rider. How much experience? 5 years. Blessing of experience? Pakistan. Self introduction. My name is Ansarbaz. My father name is Shamshir. He is a farmer. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. What is your name? My name is Asim. What is your father name? My father name is Imam Sarwar. What is your qualification? My qualification is matric. What are your age? My age is 18. What are your height? My height is 5.6. What is your work experience in Pakistan? My working experience 3 years. तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख ली पूरी। ये बंदा लोगों से ठगी करने के लिए, आप देख सकते हो कि लोगों से उसका इंटरव्यू ले रहा है और बाइक को चलवा के देख रहा दिखा रहा है। मतलब कि ये बाइक चला लेते हैं, ये आराम से दुबई जाके इनको जॉब मिल जाएगी, इनसे भी पैसे लिए होंगे। अब इस वीडियो के ज़रिए बहुत से लोगों को लगेगा, मासूम लोगों को, कि यार ये जॉब तो बड़ी आसान है, मैं भी बाइक चला लेता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती है, मैं भी ट्राई करूँगा मुझे भी मिलेगी। जबकि दुबई में आके आपको लाइसेंस लेना है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं का लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर आसान भी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस मिलना, पैसे लगेंगे उसमें। बाइक राइडर के लिए कम से कम 1 लाख इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी आप 2 लाख रुपए समझ के चलो कि सिर्फ लाइसेंस लेने की फीस है। यहाँ पर ट्रेनिंग और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, जब आप पास कर लोगे फाइनल टेस्ट तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ देंगे, तब आप ड्राइव कर सकते हो। और फिर एक्सपीरियंस चाहिए रोड वगैरह का, मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आप जा, मतलब एरिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है, नए आदमी बाइक राइडर जितने नए हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखो मेरे भाई, कि ये फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहा है, चाहे वो बाइक राइडर हो, कार ड्राइवर हो। कार ड्राइवर की जॉब के लिए भी लाइसेंस लेना है, वो भी खर्चा आप समझ के चलो
इंडिया का 1.5 लाख, पाकिस्तान का 2.5 लाख रुपए तक आपका लगेगा लाइसेंस बनाने में, ड्राइविंग लाइसेंस यूएई का लेने में। यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, आपको पहले ड्राइव सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको आपका टेस्ट होगा, पार्किंग टेस्ट होगा, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। सारी चीज़ों में आपको पास होना है, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दुबई में, तब आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। आपको नॉलेज ही नहीं है रोड की, अगर आप लाइसेंस, नए लाइसेंस वालों को बहुत फाइन मिलता है, उनको आइडिया नहीं होता है, रॉन्ग साइड चले जाएंगे। तो एक्सपीरियंस बंदे को भाई जॉब मिलती है यहाँ पर, और सैलरी इस वक्त आज के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, चाहे आप कार के ड्राइवर हो चाहे आप बाइक राइडर हो, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि जॉब नहीं है दोस्तों। एक वक्त था कि कार ड्राइवर जो लोकल कंपनियों में या किसी अरबी के घर में चला रहे थे, उनकी सैलरी 3,000 से 4,000 दिरहम हुआ करती थी और आसानी से जॉब मिला करती थी। लेकिन अभी दोस्तों जॉब नहीं है और सैलरी भी 1,800 दिरहम हो चुकी है, 1,800 दिरहम से 2,500 दिरहम, मतलब सैलरी भी आधी हो गई है। तो मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी फ्रॉड में मत फंसो, जॉब नहीं मिलेगी आसानी से, बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी। और फालतू का टाइम आप लोग ज़ाया मत करो ड्राइवर की जॉब के लिए, आसान नहीं है, अभी पैसा भी लगेगा और जॉब भी यहाँ पे आसान नहीं है। बहुत से लोग जो यहाँ पर हैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, वो लोग जब जॉब करने के लिए, इतने ज़्यादा लोग दोस्तों ये जॉब के लिए, कार ड्राइवर के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उसकी सैलरी इतनी कम हो चुकी है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और एक दो फाइन अगर महीने में हो तो आना ही है, पार्किंग का फाइन, आपका रडार का, कैमरे का फाइन, स्पीड का फाइन, बहुत से फाइन हैं जो कि महीने में आपको अच्छे खासे लग जाएंगे। नए आदमी को तो 100% लग जाएंगे। तो बहुत रिस्क है इसमें भी, जॉब में आसान जॉब नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कार या बाइक राइडर की जो लोग जॉब देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से सपना बना रहे हो, तो भैया नहीं आओ, आओगे पैसे खर्च करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद सैलरी भी तुमको बहुत कम मिलने वाली है। और दूसरी अहम चीज़ है, बहुत से लोगों को जो ट्रक ड्राइवर वगैरह, भाई सबका लाइसेंस लेना पड़ेगा आके, उसके बाद यहाँ पर यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए रोड वगैरह का, उसके बाद जॉब मिलती है। अगर आपके पास लाइसेंस है यहाँ पे, बाइक राइडर हो या कार के ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, अगर आपको नॉलेज है तो भाई मतलब आपको पूरा सड़क का, पूरी रोड का, कहाँ पर रडार है, कहाँ पर स्पीड है, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, तब तो आपको फ़ायदा है, आपको जॉब आसानी से मिलेगी। अच्छी जगह जॉब मिलेगी तो अच्छा भाई पैसा मिलेगा, और डिपेंड करता है, अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब तरीके के भाई जो फ्रॉड मैंने आपको दिखाए हैं, ये चल रहे हैं, लोगों को झांसा दिया जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई इन सब चीज़ों से बच के रहिए और सेव रहिए, पैसा बर्बाद नहीं कीजिए। दुबई हो या कोई भी कंट्री जाने का प्लान हो तो भाई सारी चीज़ें आप लोग अपने एंड से चेक कर लो, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है और जाने में टाइम नहीं लगता है। किसी के ऊपर भरोसा मत करो, और पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप लोग कोई डिसीजन बनाइएगा। तो ये वीडियो खास तौर पर बस इतनी ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पार्किंग मिल गई है, पार्किंग ढूंढ रहा था, मैंने कहा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि इस तरीके के फ्रॉड जो वीडियो है, भाई मजाक है मजाक, देख के मुझे बहुत हंसी आई कि भाई किस तरह मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आप लोग भी ना, आप लोग ना मत फंसिएगा इस तरीके के फ्रॉड में। किसी भी फील्ड में जॉब के लिए जाना है, पूरी रिसर्च करिए, खुद आप रिस्पॉन्सिबल हैं खुद के, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। किसी पे भरोसा मत करो, मुझ पर भी भरोसा मत करो, किसी पे नहीं करो भाई भरोसा,